हाल चाल गाइस, कैसे हो सब। मैं हूँ आपका प्यारा दक्ष बजाज। अब तक तो जान ही गए होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो गई है मेरी। कितने 10:30 बजे रात को, मतलब दो ढाई तो बज गए थे सोते सोते। अभी 10:30 बजे उठे हैं। अब देखते हैं घर में क्या हो रहा है। मेरी दादी, मेरे दादू, हेलो हेलो गाइस। मम्मी भूख लग रही है, क्या बनाया? साग और मक्के की रोटी। मैं ब्रश करके आ रहा हूँ, इतनी जल्दी कर। यहाँ पे धूप सेक रही है। इतने गोरे हो, इतना गोरे रंग कहाँ लेके जाओगे? मेरे को दे दो थोड़ा। और क्या, मक्के की रोटी और सरसों के साग की तैयारी में। मक्के की रोटी का आटा, यहाँ पे घी डाल दिया तवे पे और यहाँ पे चाय बन रही है। ब्रेकफास्ट आ चुका, मक्के की रोटी, सरसों का साग, होए 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 होए, पंजाबी वाली फील। पापा और रामेश्वर भाई की बात चल रही थी कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहना चाहिए। तो देखो, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहना चाहिए। अरे रामेश्वर बेटे, इधर आइयो, इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। बेटा एक बात बताओ, तुम ये जो नच टप रहे हो, नचते टपते रहते हो या पढ़ते वढ़ते भी हो? पढ़ते हो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो या हिंदी मीडियम में पढ़ते हो? मैं अंकल पढ़ता भी हूँ और इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो एक बात पूछूं, एक सवाल पूछूं तो बताओगे तुम? बिल्कुल, जो आप बोलो। बेटा बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल बहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अगला तो बहरा ही है, चाहे कुछ भी कह दो सुने ही थोड़ी देगा। अंकल ऐसे सस्ते सवाल मत पूछा करो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि इंग्लिश में एक बहरे को क्या कहना चाहिए तो एक लाइक ठोक दो और कमेंट में बताना कैसा लगा। अभी भैया को ब्रेकफास्ट करा के आते हैं। उसको क्या क्या दिया आपने? देख रहे हो भेदभाव, भेदभाव देख रहे हो? भैया का ब्रेकफास्ट आ चुका, पंजाबी तड़का, मक्की की रोटी, सरसों का साग और सोन पापड़ी। अबे सोन पापड़ी खाएगा? मम्मी देख रही है, मम्मी देखती है अनुपमा, अनुपमा। अभी 12:15 हो रहे हैं तो चलो थोड़ी सी स्टडी करते हैं, ट्यूशन का, इको का, लर्निंग का काम करते हैं। अभी 1:30 बज रहे हैं और मम्मी यहाँ पे लंच तैयार कर रही है, फिर से मक्की की रोटी, सरसों का साग। दादू गया नाश्ता तैयार होगा। अच्छा, हाँ दादू सो गए थे ना। लंच आ चुका, वही मक्की की रोटी, सरसों का साग और ये ट्राइपॉड, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गाइस अभी ताऊ भी गांव से आ गए, मनाए छठ। कैसा लगा? मजा आ गया। चलो बढ़िया हो तो। अभी 3 बज रहा है, चलो नहाए चलते, फिर 3:30 ट्यूशन भी है, लेट्स गो। गाइस अभी नहा के आ गए थे और अब ट्यूशन चलते हैं। मेरे पापा अभी ट्यूशन जा रहे हैं, बाय बाय ताऊ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। गाइस अभी अनुज तो आ नहीं रहा, अनुज कह रहा है कि मुझे लेट हो जाएगा, तू चला जा। तो हम जा रहे हैं ट्यूशन, अनुज और मैं वेट कर रहे हैं जब जीत के घर के बाहर। अनुज तो आया नहीं, अनुज अभी आ जाएगा ट्यूशन, जब जीत पता नहीं कब तक आएगा। आ चुका, हेलो हेलो, ट्यूशन की छुट्टी हो गई है। ये रे बाबूजी के 3 बंदर। अब देखो दो लोगों ने एक दुकानदार का पागल कैसे बनाया। यार रामू आज कुछ खर्च कर ले यार, यार मेरे पे तो पैसे नहीं है यार। पैसे तो मेरे पास में भी नहीं है यार, तेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। एक आइडिया, एक लाहौरी देना, एक फ्रूटी देना। दे बेटा एक लाहौरी दे, एक फ्रूटी दे। लो लाहौरी लो, लो फ्रूटी लो। पैसे दे दो। बाकी पैसे तुमने पैसे दिए कहाँ? अभी तो 100 रुपए दिए भाई, दिए ना 100 रुपए।
कहाँ से दिए भाई? इसने पैसे दिए हैं क्या? भैया मुझे नहीं पता, तुम दोनों के चक्कर में कहीं मेरे 500 का नोट मत भूल जाना। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो कि दुकानदार को पागल कैसे बनाया जाए तो एक लाइक ठोको और नीचे कमेंट में बताओ कैसा लगा। ट्यूशन से आए थे घर, बुआ एंड भाई आए हैं। बुआ मटर सील रही है मम्मी के साथ, भाई और बुआ तो चले गए। मम्मी यहाँ पे धनिया काट रही है और मम्मी भूख लग रही है। अभी तो जूस अभी पिया, कुछ और नहीं है खाने का। अभी पापा आने वाले हैं, रोटी बनाएंगे। हैं? पापा आने वाले हैं, अभी रोटी बनाते हैं। यार भूख लग रही है, मेरे को कुछ दे दो ना तब तक। अभी हम किचन में आए और अब मैगी बनाने का मूड हो गया, तो जब तक पापा आते तब तक मैगी खाते हैं। तो चलो मैगी बनते हैं। देखो सराय गरम डाल देंगे इसमें, दो ग्लास दो कप पानी, अब हम ये डालते हैं मैगी मसाला, ये मसाले अब डालते हैं इसके अंदर। अभी आपने देखा मैगी बनाते हुए बर्तन ही नीचे हो गया, दिमाग खराब। कैस कैस करे, मम्मी डांटेगी। भाई भैया और पापा दुकान से आ गए और भैया कर रहे डिनर। मेरा तो मन नहीं है, मैगी से ही मूड खराब हो गया मेरा। गाइस अभी बज रहे हैं 2:15 और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। किसमें? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, अरे अच्छा तो लगा ही होगा, बहुत मेहनत लगी मेरी, लाइक ठोक देना एक बस। और कमेंट में बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।